इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। हरसौरा कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए किया जमीन का पट्टा जारी। आज हरसौरा कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो हाल ही में पीएचसी से सीएचसी में क्रमोन्नत किया गया है, जिसके भवन निर्माण के लिए हरसौरा सरपंच व एसडीएम के द्वारा 5 बीघा जमीन का पट्टा जारी किया गया है, जिसमें सीएचसी भवन निर्माण के लिए जमीन कम पड़ रही थी, जिसको लेकर आज बानसूर एसडीएम राहुल सैनी, पंचायत समिति प्रधान सुमन सुभाष यादव, बीसीएमओ डॉक्टर मनोज यादव को हरसौरा सरपंच ढोली देवी व रमेश अम्बावत ने सीएचसी भवन निर्माण के लिए 5 बीघा जमीन का पट्टा सौंपा, जिसमें बीसीएमएचओ डॉक्टर मनोज यादव ने कहा कि पट्टे को जल्दी विभाग में भेजकर भवन निर्माण का कार्यवाही शुरू करवा दी जाएगी। इसी दौरान बानसूर एसडीएम राहुल सैनी ने कहा कि सीएचसी भवन निर्माण के बाद गांव व आसपास के लोगों को उपचार के लिए यही पूरी सुविधा दी जाएगी, जिससे रोगियों को बानसूर मुख्यालय पर नहीं भटकना पड़ेगा, जिसमें बानसूर एसडीएम राहुल सैनी, पंचायत समिति प्रधान बानसूर सुमन सुभाष यादव, बीसीएमएचओ बानसूर डॉक्टर मनोज यादव, दीपक नारंग सरपंच, बबीता कंवर ग्राम विकास अधिकारी, संजय शर्मा, राहुल अम्बावत, प्रदीप यादव, कमल मीणा, महेश रोहिला, हरिकरण यादव, रतनलाल भारद्वाज, हरसौरा पूर्व सरपंच भवानी चीलवाल, चैतराम अध्यापक, दलीप सिंह, रवि शर्मा आदि ग्रामीण लोग मौजूद रहे। इंडियन टीवी न्यूज अलवर चीफ संवाददाता कृष्ण कुमार यादव, राजस्थान। अध्यक्षता कर रहे हैं मुख्य अतिथि सुधान जी, सारे सरपंच साहिबान, सारे जनप्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारी, विषय साहब और आप सभी यहाँ के प्रबुद्ध लोग, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आपका पीएचसी से अब सीएचसी में क्रमोन्नत हो रहा है और आपको आज पट्टा मिल रहा है। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, पिछले 5 महीने मुझे हो गए यहाँ पे ज्वाइन किए, मतलब शुरू से ही सरपंच साहब ने, रमेश जी ने बहुत फॉलोअप किया। मेरे पास हर दिन, हर दूसरे दिन सरपंच साहब का फ़ोन आता था, वो खुद आते थे मेरे ऑफिस कि ये काम करवाना है। और मैडम हमारे मंत्री महोदय ने इसके लिए बजट भी हमें आवंटित करवाया है। जब हमारे पास बजट है, केवल जगह के अभाव में हम लोग इसको निर्माण नहीं करवा पा रहे, तो समस्याएं इसमें काफ़ी थी, लीगल इश्यूज़ भी थे, कोर्ट में भी इसका स्टे चल रहा था। ज़मीन का पट्टा जो जिस जगह पर देने की बात है, वहाँ पहले से पट्टे दिए हुए थे, लोगों की समझाइश करके काफ़ी सारे लोग समझ गए और उन्होंने आप लोगों के सहयोग की वजह से ही वो पट्टे वहाँ से हटकर दूसरे के मिल रहे हैं और यहाँ पर पट्टे के लिए ज़मीन हमें उपलब्ध हो पाई। लेकिन कुछ एक लोग थे जो शायद समझ नहीं पा रहे थे या जिन लोगों को थोड़ा सा तकलीफ थी, उनको भी किसी तरह समझा के, अतिक्रमण थे उनको हटवा के कोशिश की गई कि जल्दी से जल्दी ज़मीन हमें उपलब्ध हो जाए। अतिक्रमण हटने के बाद भी समस्या थी कि वहाँ पर पहले से स्टे चल रहा था कोर्ट का, उसके लिए भी हम लोगों ने सामूहिक प्रयास किया, सरपंच साहब ने बहुत फॉलोअप किया, हम लोगों ने बात की और स्टे भी उसमें हमने विकेट कराया पिछले महीने। हरसौरा हॉस्पिटल के लिए पट्टा जो दिया गया है, उसके बारे में आप क्या विचार? आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरसौरा में सरपंच साहब एसडीएम साहब धाम जी के द्वारा भूमि निर्माण के लिए पट्टा दिया गया है, जो कि पीएचसी से सीएचसी में अभी कन्वर्ट हुई है और सीएचसी के लिए भूमि की हमें ज़्यादा आवश्यकता थी, जो आज मिल गया है। इसको विभाग में आगे भेजकर जल्दी से जल्दी इसके ऊपर भवन निर्माण की कार्रवाई की जाएगी। कितनी बीघा ज़मीन है ये? पहले से पीछे पीएचसी में हमारे पास 2 बीघा ज़मीन थी और आज सरपंच साहब ने 5 बीघा ज़मीन और दे दी, जो हमारे लिए। तो ये इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।